अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सिलचाल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फारूक के वालिद जिस तरह से घर आता है, वो फारूक को कहते हैं कि तुम किस तरह से रुबाब को ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फारूक कहता है कि ये उसका और मेरा मामला है, वो मुझसे मोहब्बत करती है। तो उसके वालिद उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि मोहब्बत जैसी पाकीज़ा लफ्ज का नाम मत लेना, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, वो भी तस्वीरें लेकर। तो फारूक कहता है कि आप हमारे बीच में मत बोलें। और उसके वालिद कहते हैं कि शर्म करो, इतनी घटिया हरकत तुम कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता कहती है कि मैं जानती हूँ कि किस तरह से वो आपके सामने बार बार सबीन का नाम लेकर मुझे चिढ़ाती है, और ताकि आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत कभी खत्म ना हो। लेकिन उसका शौहर कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने मुझे उसे भूलने नहीं दिया, हर टाइम पर तुम उसी का जिक्र करती हो। फारूक तो रुबाब को सताने के लिए वापस उसके घर आता है, और सिकंदर रुबाब से कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, प्लीज मुझसे वादा करो। इसी टाइम पर जैसे ही सिकंदर वहां से चला जाता है, तो फारूक रुबाब को तंग करने के लिए उसके घर आ जाता, सीधा उसके सास के सामने आकर कहता है कि आप अपना ये ब्रेसलेट और अंगूठी रख लीजिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए। वो बस इतना कहकर वहां से चला जाता है, और उसकी सास को शक हो जाता है कि आखिर ये ब्रेसलेट और अंगूठी इसके पास कहां से आई। लेकिन उसी टाइम पर सिकंदर भी आ जाता है, और वो ये सब कुछ देखकर हैरान होता है कि ये अंगूठी और ब्रेसलेट तो चोरी हो गया था, तो इसके पास क्या कर रहा है। अब रुबाब आखिर देखते हैं सबको क्या जवाब देती है, वो किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलेगी।